नाजीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी टीटन और मैं हूँ आपकी मेजबान अना यूस इस दुआ और इस उम्मीद के साथ के अल्लाह तला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और हमें आसानियां बांटने की तौफीक किता फरमाए आज के शो का आगाज कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ बात कर लेते हैं सैटरडे को जिस तरह से शहर में धुंध थी शदीद किस्म की धुंध कुछ नज़र नहीं आ रहा था बारिश के इम्कान जाहिर किए गए और ऐसा ही हुआ जी संडे को भी बारिश हुई और धुंध के बादल तो छट गए हैं लेकिन सर्दी की शिद्दत में शहर लाहौर में इजाफा हो गया है तो सर्दी में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात कीजिए तो आज का मौसम कैसा रहेगा आगाज़ कर लेते हैं शहर के मौसम से जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं हैं जुनेद बताइए अपडेट्स क्या आज के बारिश है वो मौसम एक तो खुशगवार हो गया और दूसरा सर्दी में भी जो है वो मामूली इजाफा देखने में आ रहा है और अगर आज दर्जा रथ की बात की जाए तो आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा रत तीन डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रत चौदह डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम जजवी दौर पर अबर आलूद रहेगा बारह एक बजे तक बादल रहेंगे और उसके बाद दिन के वक्त जो है वो सूरज और बादल की आँख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जजवी तौर पर अबर आलूद रहने के बावजूद शहर में बारिश के इम्कान इंतहाई कम हैं दूसरी जानब अगर हवाम नबी तो के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वह नब्बे फ़ीसद जबकि शाम के वक्त जो है वह सतहत्तर फीसद तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है इस वक्त भी ठंडी हवाएं जो है, वो पंद्रह किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और ठंडी हवाएं इंतहाई सर्द हैं और खुश्क हैं महमा मौसमियात के मुताबिक मंगल के रोज़ शहर का मौसम जो है वो खुश्क और खुशगवार रहेगा लेकिन आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा और यही वजह कि आज कम से इजाफा देखा जा रहा है जुनेद हमें मौसम की सूरत हाल बता रहे थे नजर डाल लेते हैं शहर की सूरत हाल पर और आज की लीड स्टोरी पहली खबर डेली सिटी फॉरी टू के हमारे पास है जी रिवर आवी प्रोजेक्ट फेज वन सोलह किलोमीटर तवील झील बनेगी बारह लाख घरों का प्लान तैयार बारिश से ठंड बढ़ गयी पचास बिजली बंद गुंजान आबादियों में गैस मुकम्मल एक करोड़ बारह लाख आबादी के लिए सिर्फ उनसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट्स के बजाय दफातर में रहे और शहर में दर्जनों वारदाते शहरियों से लाखों रुपए और कीमती सामान यूज किया गया तो टॉप स्टोरीज आपने जान ली डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम सलाम क्या हाल चाल है अल्लाह का करम है उमर पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर आज हमारे पास है जी रिवर रावी प्रोजेक्ट फेज वन सोलह किलोमीटर तवील झील बनेगी बारह लाख घरों का प्लान तैयार किया गया है क्या कहेंगे उमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल रिवर प्रोजेक्ट जो है फ़ेज़ वन उसके लिए चवालीस हज़ार तकरीबन जो है वो यहाँ पर ज़मीन जो इस शाह साहब की खबर है उसके मुताबिक ज़मीन जो है वो एक्वायर की जाएगी उसी तरीके से बारह लाख घरों का प्लान भी है अगर हम अब इस आ, प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करें तो नीड ऑफ एनआर है क्योंकि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हम देखें तो जिस तरीके से लाहौर शहर में जो है आबादी जिस तरीके से बढ़ी है और पूरे पंजाब से अगर हम देखें तो प्र... सारे लोग यहाँ पर आके अक्सर अक्सरीत जो है वो यहाँ पर लाहौर में इलाकों में जो है वो रिहाइश भी अख्तियार करें तो बहरहल इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है फिर आप ये देखें सोलह किलोमीटर तवील झील बनेगी तो तफरी के जब मौाक़े होंगे और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएँ जिससे आवाम को सहूलियत याद होंगे मुस्बत तफरी के मौाक़े मिलेंगे तो वो एक अच्छे प्रोजेक्ट है लेकिन असल बात यह है कि क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा असल क्वेश्चन मार्क जो है वो ये है क्योंकि तकरीबन गवर्नमेंट को अब ढाई साल हो गए हैं ढाई साल की गवर्नमेंट के बाद जो है वो अब एक्वायर जमीन की जाएगी उसके बाद किस वक्त की जाएगी अब शुरू हो रहा है प्लान बन रहा है इसका बारह लाख घरों का प्लान है तो वो किस क्या टाइम फ्रेम दे रहे हैं असल क्वेश्चन यह है कि आवाम को जो है वो ये जो दिखा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस तरीके से मुकम्मल होगा तो देखिए जो भी मंसूबा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए शुरू हो वो किसी वो किसी भी गवर्नमेंट में हो उसे मुकम्मल होना चाहिए अब असल यहाँ पर यही बात आ रही है कि जिस तरह बारह लाख लाख घरों का मतलब है कि वहाँ पर कई लोगों को अपना घर बनाने का मौका भी मिल सकेगा तो इसी वजह से अगर बात करें तो एक बड़ा अच्छा प्लान है गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वो Uh, कहीं इस पर यू टर्न तो नहीं होगा या इसमें कोई क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अभी जमीन एक्वायर करनी है ये ये अहम बात है आ, क्योंकि अक्सर कहीं पर स्टे आ जाते हैं या डिफर दीगर मसाइल होते हैं तो उस पर किस हद तक इनका मास्टर जो इनका प्लान है वो गवर्नमेंट ने बनाया है आ, असल सिर्फ बात वहीं वहीं पर आ जाती है लेकिन एक अच्छा प्लान है क्योंकि 16 किलोमीटर तवील झील जिस तरीके से है कि वो बनेगी और इसी तरीके से जो दीगर सहूलियात अगर जो हैं वो आवाम को जो बताई जा रही है अगर वो मिलेंगी तो ये एक अवाम की बेहतरी और इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो उम्र मुझे नज़र आ रही है वो जैसा कि झील भी बनेगी जंगलात ग्रीन एरिया भी होगा यह वक्त की अहम जरूरत है के, के आपके लिए कुछ ऐसी भी तफरी गाह भी होनी चाहिए और फिर जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से फोकस रहा था ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के हवाले से तो चलेगी भी चीज ऐड की गई है सबसे अच्छी चीज जो बारह लाख घर जो है उनका प्लान तैयार किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीदें अभी भी लगाए बैठे हैं बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हुए तो कहीं ना कहीं इससे को रिलीफ मिल जाएगा बिल्कुल लाख घरों का मतलब यह है कि अगर चार अफराद भी हो, तो कितने लोगों को घर मिल जाता है हम अक्सर क्योंकि हम इस सोसाइटी में फिरते हैं आपका भी मेरा हम जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो लाहौर के अंदर रिहाइश का हो चुका है यहाँ पर देखते हैं कि दो दो तीन तीन मरले के लोग किराए पे रह रहे हैं एक एक मरले के उस पर रेंट आउट रहने तो अपना घर जो होता है वो ख्वाब होता है और अगर इस तरीके से जिस तरह क्योंकि पी से जो जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो तब इनका कहना था कि 50 लाख घर जो है वो दिए जाएंगे तो एक ये बड़ी उम्मीद थी जिस तरीके से एक बड़ा पॉपुलर नारा हुआ था शहीदुल्फ़ार अली भुटो का के रोटी कपड़ा मकान और इसी तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक गवर्नमेंट में नहीं आई थी तो इनका जो नारा था तब्दीली का पचास लाख घरों का एक करोड़ तो नौकरियों का तो उसमें से चलें अभी क्योंकि हम इस वक्त घरों के हवाले से बात करें कि इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो है वो बारह लाख घर का घरों का प्लान तैयार हो रहा है तो बिल्कुल आपने ना दुरुस्त बात की है कि बड़ी वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि आसान शराइ पे अब मुझे इसकी इस वक्त जो अगर हम बात करें आसान शराइ पे या कम कीमत उस पर क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है घर में जो होता है वो पूरी एक आप समझें कि मुख्त अज़ा से बनता है सीमेंट उसके बाद पत्थर कोई तो मतलब इलेक्ट्रिक की चीज़ें सैनिटरी की चीज़ें तो वो फिर एक घर बनाना जो है आम आदमी के लिए मतवस इवन मिडियोकर क्लास के लिए आ, जो है वो ख्वाब बन चुका है और ख्वाब भी वो जो नामकम्मल होता है वो दिखाई दे रहा है जितनी महंगाई हो चुकी है इसमें तो दो वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो वही बड़ी बात है लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है है मैं आपको वही बात करूं कि इस इस ना हो बस तो अच्छा, आप, आप जब हम हम की कुछ अच्छी चीजें डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं हैं तो शहर लाहौर में जमीन पानी ऑलरेडी करते रहते हैं। किस तरह से कम होती चली जा रही है। साफ पानी बिल्कुल अभी वो आ, मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो जो 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 प्लान किया हुआ है मैं तो आपको प, 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 स्टार्ट से बात की है कि बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को उम्मीद है थी अब है कुछ, कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है पी पीटीआई जो ने जो वादा किया था अब क्योंकि ये पुराने लोग होंगे ना क्योंकि पहले इन्होंने कहा सौ दिन फिर तीन महीने फिर छह महीने अब तो ढाई साल आधे से ज्यादा वक्त जो है वो तकरीबन पूरा हो गया तो अब यहां पर इंप्लीमेंटेशन जिस तरह खुद इन प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि डिलीवर करना है और वाकई डिलीवर करना भी चाहिए अब ढाई साल हो गए तकरीबन तो आ, इनको डिलीवर करना चाहिए जिस तरीके से पानी के हवाले से बात करें खूस लाहौर शहर के हवाले से बात करें जेर जमीन नीचे सतह पर पानी काफी चला गया फिर इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें कि जो है लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा मुख्य रो, मतलब बन चुका है तो और जब साफ पानी की आदम दस्त की वजह से मुख्त अमराज भी फैलते तो फिर मैंने कहा कि प्रोजेक्ट जो पेपर पे दिखाई दे रहा है जो खबर राउद हु उसके मुताबिक तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन अहम बात है ना ढाई साल बिल्कुल गुजर चुके हैं अभी जमीन एक्वायर करनी है तो फिर कब करनी यारी है यारी कर, क्या तो हम भी उम्मीद यही करते हैं कि ये जल्दी मुकम्मल हो ताकि लोगों तक इसके मरात भी पहुंच सके ताकि लोग जो है जिस तरह कि परेशान है उनकी परेशानी भी कुछ कम होती नजर आए हम अगली खबर की तरफ जरूर जाएंगे लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आप तक पहुँचाएंगे हाईकोर्ट से खबर है जहां पर कतल केस के मुलिम की दरख्वास्त जमानत पर जमात हुई है जी तो नाजिन ये थी हमारे पास अहम खबरें आप तक पहुंचाई हैं ब्रेक पे हमें जाना है लेकिन जब वापस आएंगे तो कुछ बात होगी शहर में सर्दी की शिद्दत बड़ी बारिश हुई और शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई और बारिश होने से क्या हुआ जी फिडस ट्रिप हुए जिसकी वजह से लाहौरियों को मुश्किल का सामना रहा ना सिर्फ फिडस ट्रिप हुए बिजली गायब हुई गैस भी गायब हो गई जैसे ही मौसम सर्द हुआ लाइट गायब हुई गैस गायब हुई और इसके बाद अस्पतालों में सूरत हाल ये हुई कि बारिश की वजह से छतें टपकने लगी बल्कि छतें गिरने के वाकयात भी जो है वो रूनुमा हो सकते हैं क्योंकि छतें बहुत हो चुकी हैं अब ये बारिश ये खुशगवार मौसम रहमत है या जहमत इसको डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक ब्रेक के बाद आपको खुश आहदीद कहेंगे और इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े अभी आपको कोरोना वायरस की अपडेट के हवाले से मैं बताती चलूं शहर में कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है और शहरी गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें शहरियों का देखने में मिल रहा है चौबीस घंटों में शहर के तेरह अफराध वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए और इक्यानवे अफराद में वायरस की तस्दीक हुई अमवाद की मजमुई तादाद एक हो गई है चौरासी अफरा की हालत तश्शनाक है और वेंटिलेटर पर भी सहूलियात की जा रही हैं ये हालात है कोरोना वायरस के शहर में हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं हमें कहीं पर भी तब्दील होती नजर नहीं आ रही और साथ ही साथ बास गश्त ये सुनी जा रही है कि कोरोना वायरस की इस लहर में डिफरेंट टाइप्स भी शामिल होती जा रही है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है ये कितनी नुकसानदेह है इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे और इसमें माहरीन की राय भी लेंगे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रोग्राम के सेकेंड पार्ट में अभी बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ बारिश हुई और इसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ अब इसके साथ साथ ये हुआ जी फेडर स्ट्रिप हुए गैस गायब हो गई, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी मुश्किल हैं उमर यह एक रिवायत है, जब भी शहर में बारिश होती है तो यही हालात देखने में आते हैं ट्रेडिशन सा बन गया अगर आप हकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें कि जैसे ही बारिश बारिश इतनी ज्यादा हुई भी नहीं बहुत मतलब बारिश थोड़ा सारा दिन ही तक रही लेकिन जो है वो इतनी तेज नहीं थी हाँ बिल्कुल अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ठीक और जैसे ही सर्दी होती है फिर ज़ाहरी बात है कोई सुई गैस गैस नहीं है आप अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत का कि गैस नहीं है शादरा हरबंसपुरा गूमत्ता इस्लामपुरा मतलब तमाम इलाकों के हाँ से भी बहुत हाँ गुलबर्ग वगैरह के इलाकों में भी ये कंप्लेन आ रही है कि गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई अव्वल तो है नहीं और अगर है तो इंतहाई लो प्रेशर है जिसमें जो है वो खसूस आप ख़ातिन को जो उनसे हैं वो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है घरों में जो है वो कुकिंग तक नहीं हो सकती अच्छा अब यहाँ पर बात करें पचास फीडर ट्रिप हो गए और फिर यहाँ पर देखें कि जब बिजली चली जाती है सर्दियों में ठीक है उस हद तक प्रॉब्लम नहीं होती जिस तरह गर्मियों में मसाइल का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी बिजली को दूसरा गैस नहीं है तो ऑब्वियसली फिर मसाइल बढ़ जाते हैं ना एक आधा मसला तो नहीं है ना बिल्कुल अब देखे अगर हीटर चलाना है तो गैस तो नहीं रही अगर चले इलेक्ट्रिक हीटर चलाना है तो वो भी क्योंकि बिजली नहीं है तो यानी उस पत्थरों के दौर में तो ना लेकर जाए ना कम अज़ कम तब्दीली सरकार इतनी तो मेहरबानी करे कि पत्थरों के, के दौर में तो ना लेकर जाए जो बड़े बड़े दावे किए थे वादे किए थे क्योंकि बिजली लोड शेडिंग का हमें सूरत हाल बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि जब गुज्त दौरे हुकूमत थी नवाज शरीफ की तो उसमें दो हज़ार तेरह से पहले तो बहुत लोड शेडिंग थी लेकिन दो हज़ार तेरह के बाद जिस तरह प्लांट्स लग गए जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस पर काम किया था तो उन लोड शेडिंग का बहुत हद तक गर्मियों में कंट्रोल हो गई थी तो फिर इस सर्दी में जिसमें इतनी ज्यादा कोई वो भी नहीं होना कोई प्रेशर भी नहीं होता एसी भी नहीं चलने ना कोई इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज चीजें चलनी तो फिर क्या जरूरत है ये तब्दीली सरकार तब्दीली सरकार तो यकीन करे पत्थरों के दौर में लगता है कि इंसान को बता रही है कि तब्दीली कहीं इस चीज का नाम तो नहीं था कि पत्थरों के दौर में लेकर जाना है ये कम अज कम इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यानी एक तो सर्दी का दिन था मौसम खुशगवार था लाहौर ये जहां मौसम को एंजॉय अपने घरों में कर सकते थे वो जनाब तब्ली तब्दीली सरकार है तो इतनी आसानी से को उन्होंने नहीं करने देना। यहां पे तो कोई एक सड़क दो हो ढाई तो, है। है। सा साल हो गए मुझे तकरीबन उसकी निशानदेही करते हुए बिल्कुल बुरा हाल है बंद रोड पर आप चले जाए सड़कें टूटी हुई है कोई देखने वाला नहीं है तो यहां तो तब्दीली सरकार ने ऐसी आप ये देखें कि जुल्म नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं आ, हीटर आ, अगर उन्होंने चलाने तो गैस नहीं है अगर चले बिजली का चला लेंगे बिजली का चलाने जाते हैं, तो बिजली जो 2018 तक तो मौजूद थी अब इसकी गवर्नमेंट की बात करें तो जो तब्दीली सरकार है जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे और अब हम 2021 में एंटर हो रहे हैं ढाई साल इनको मुकम्मल हो रहे हैं तो तब्दीली सरकार तो लगता है ऐसे है कि जैसे लाहौरियों को और हमें पत्थर के दौर की याद भी उम्र ये हालात यहाँ तक ही नहीं है ये तो चले हमने थोड़ी लाइटर नोट पर भी बात कर ली कि मौसम इंजॉय लाहौरिए कर सकते थे जो कि नहीं कर सके अब बारिश के असर अस्पतालों में भी नजर आ रहे हैं और यह इंतहाई संजीदा और अफसोसनाक सूरत हाल है शहर का बड़ा हॉस्पिटल है सर्विसेज अस्पताल जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं और वहां पर जी ई e में काम बंद हो गया गायनी वार्ड की छतें टपक रही हैं टूट फूट का शिकार है और इस पर एम साहब बयान दे रहे हैं कि छतें जो हैं, जैसे ही पैसे मिलते हैं फंड्स मांगे गए हैं तो जैसे ही फंड्स मिल जाएंगे मुरम्मत करा ली जाएंगी अब कब मिलेंगे ये ये काम कैसे फंड्स फंड्स ये ऐसी बात है कि जब फिर हम नवाजा इसलिए करते हैं क्योंकि अब इनकी गवर्नमेंट को ढाई साल हो चुके तो की बात करते थे। आ, पिछली पे ये मुस्लिम लीग नून का और ये, ये कहते थे कि सड़कें बनने से कोई कौमें तरक्की नहीं करती और हस्पतालों पर पैसे लगाए लेकिन जब इनका हक, इनकी हकूमत आई है तो जिन पर, जिन पर आप इल्जाम लगाते थे सड़कें बनने से जो है वो कोई कौम तरक्की नहीं करती उस पर उसको शहबाज शरीफ को वक्त बहुत तनकीद की गई शहबाज शरीफ पर यह कहा गया कि इनके पास विजन नहीं है उस, वो अब जेल में भी वो इस वक्त है लेकिन जब इनकी अपनी गवर्नमेंट आई तो ये अंदाजा लगाएं कि जिन पर सड़कों के इल्जाम लगाते थे आपका आप कहते थे आप ही दावा करते थे आप ही बातें करते थे और आप ही का कह यह कहना था कि जो है वो हस्पतालों पर और तालीमी इदारों पर पैसे लगाने चाहिए जो बिल्कुल बात हम इस बात को बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं लेकिन सूरत हाल यह है कि अस्पताल के एमएस इतने बड़े लाहौर के आप देखें ना मेन हॉस्पिटल के वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं, चार्ण नहीं चार्ण है तो फिर हुकूमत कहाँ है ना फिर हुकूमत कहाँ पर है झूठ उतना बोलना चाहिए या उतने दावे और बातें करनी चाहिए जो बर्दाश्त की जा सके आ, और झूठ भी बोले और इतना झूठ बोले कि उसके बाद कहें कि यही सच का सा गुमा है तो आप जो बातें करते थे देखिए आपका मुकाबला ना मुस्लिम लीग नून से नहीं है पीपल्स पार्टी से नहीं है आपका मुकाबला 2018 से पहले वाले इमरान खान से और जो आपके जो करते थे अपोजिशन दि, दि, जमातों के साथ नहीं क्योंकि डॉक्टर यासमीन राशिद की बात कर ली जाए यहाँ पर दीगर पाकिस्तान तहरीक के रहनमाओं की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा आपको याद होगा कि लाहौर को क्रिटिसाइज जो किया जाता था वो इसलिए करते थे कि जी सड़कें बना रहे शबाजी जिस तरह कहते हैं छोटे छोटे ऑपरेशन थे तरजीह नहीं है उसको भी डिस इनफेक्ट यही तो क्वेश्चन है की जब देखे सेहत बुनियादी जरूरी वो है अहम चीज है सबसे आपका भी था कहना था कि जी ये लोग काम नहीं करते तो जब आपके पास आगे हुत है फंड्स हैं सब कुछ अब आपके पास है आप इकतदार में इस वक्त आप किसी पे तनकीद नहीं कर सकते तो आपने क्या हैं लाहौर के लोगों के साथ पंजाब के लोगों के साथ सलूक क्या कर रहे हैं आपके पास फंड नहीं प्रोवाइड करें उनको एटलीस्ट अपने कहे हुए बातों पर अपनी कही हुई बातों पर अमल करें मैंने आपको कहा ना इनका मुकाबला किसी दूसरी सियासी जमात से नहीं है इनका मुकाबला अपने आप से लेकिन

है जो मैं डिस्कस करना ये असर हो रही हूँ उदी रिपोर्ट था तो हम, मैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे अच्छी तरीके से बैरू मुल्क के दौरे पर जाना था उसने फौरन दौरा अपना कैंसिल किया मुझे अच्छी तरीके से याद है उस वक्त ख्वाजा इमरान नजीर सलमान रफीक चौधरी शहबाज ये और एक डी होते थे मतलब इसी तरीके से एक टीम बनी डॉक्टर्स होते थे और इन लोगों ने क्योंकि सिटी फोर्टी टू साथ, साथ रहता था इन्होंने जाके टायर शॉप्स क्या आ, मतलब हर जगह पे जाकर कबाड़ियों अच्छा, की दुकानों पे हॉस्पिटल फिर अच्छा और मैं आपको बताऊं और मुझे आज भी याद है सादरफी जैसा और जैसे जो सीनियर ली के रहन उनको शहबाज शरीफ ने कहा कि आप मुझे सड़कों पर नजर आना चाहिए आपने लोगों के अवेयरनेस देनी है क्योंकि हम देखें अवेयरनेस इतनी ज्यादा उस वक्त नहीं थी हुँ. और फिर इस जैसे एम एन एम पी जो सीनियर रहनुमा है जो वफाकी वजीर स्पीकर कौमी असेंबली बाद में बने तो वो सड़कों पर लोगों को यह गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे थे अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त आ रही है कि शहर में डेंगी फिर सर उठाने लगा एक सौ छियालीस केसेस रिपोर्ट हो गए हैं ठीक है डेंगी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या डेंगू की रोकथाम के लिए किया आप मुझे बताएं हम आप हम जर्नलिस्ट हैं कितनी हमारे हमें दिखाई दे रही है मुझे अच्छी तरीके से याद है ना जब हम अवेयरनेस जिस तरह उन्होंने कैंपेन की थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में थी फिर इन पर इल्जाम भी लगा के डेंगी बरादरान है डेंगू बरादरान है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेकिन उन्होंने अठारह अठारह घंटे काम करके दिखाया आप बीस घंटे काम करें हम आपकी तारीफ करेंगे हम उनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ बात करेंगे लेकिन बात यह कि जिन्होंने काम किए तो फिर हम उनकी मिसालें इसलिए दे रहे ना कि उन्होंने अठारह अठारह घंटे काम किया लाहौर के अंदर आपने देखा मैंने देखा कि उन्होंने एम एन एम पी एस को कहा कि आप यहां पर कितने एम एन एम पी एस पीटीआई के लाहौर में है यहाँ से डॉ मुरास हैं यहाँ पर यहां पर शफकत महमूद वफाकी वजीर है मतलब ये आम शहर नहीं है लाहौर शहर को इसकी अहमियत हासिल है कि चाहे नून लीग का दौरे पीटीआई का हो हमेशा वजीर यहाँ से बड़ी अक्सर में बनते हैं कितने है। नजर आए आपको सड़कों पर पंपलेट बांटते हुए टायर शॉप को चेक करते हुए है है हम देख रहे हैं कि सीजन में जो जो वो डेंगू के केसेस भी वो रिपोर्ट हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं घरों पे जिस तरह से चेकिंग की जा रही रही थी वो नहीं हो रही, तो इसका नतीजा तो सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं मॉडल बाजारों में महंगाई है बाकी मार्केटों में आप चले जाएं महंगाई है अब एक करोड़ बारह लाख आबादी के लिए फिफ्टी नाइन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं लेकिन ये दफातर में बैठे हैं महंगाई वैसे कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर कौन कंट्रोल करेगा ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे शहर में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है महंगाई कंट्रोल करने की वो क्या कर रहे हैं जी वो अपने दफातर में बैठे आराम कर रहे हैं अब एक करोड़ बारह लाख की आबादी जो है वो किसके रहमोक्रम पर है उसको संभालने के लिए बनाए गए हैं फिफ्टी नाइन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अब ये इतनी कम तादाद भी दफातर में बैठी है तो महंगाई कौन कंट्रोल करेगा महंगाई वैसे कंट्रोल करना मेरा नहीं ख्याल बस की बात रही है उम्र हर रोज अब चीजें महंगी हो रही हैं तो ये जिनकी जिम्मेदारी है ये तो पहले वैसे भी कभी नजर नहीं आए तो ये भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे जा, 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 तो खुश हो अगले मजबूरन जो उनके जेब गर्म करके आते क्योंकि मेरा एक, मुझे याद है कि इस्लामपुरा में एक दोस्त था तो उसकी दुकान थी कहता है भाई वो तीन हजार रुपए लेके चला गया वो वो अब हम बात बात कर रहे पुरानी पुरानी साल है लेकिन अब हम यहाँ पर लेट इट बी वेरी क्लियर तब्दीली सरकार में अगर पहले की बात की जाती तो शायद कहीं ना कहीं हमें दो ट्रांसफर भी नजर आते थे दो सस्पेंशन भी नजर आते थे सख्त एक्शन भी नजर आते थे लेकिन जो गवर्नमेंट अब आ चुकी है उसमें तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप बिजली के रेट्स देख लें आप आ, आटा दाल चीनी चावल इन सब चीजों को मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा उसको आप उठाकर देख लें कि कहां पर महंगाई चली गई है और फिर डिफेंड कितने खूबसूरत अंदाज में वो लोग करते हैं जो लोग कहते थे कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर वजीर चोर होता है हाँ। तो बहरहाल बात यह है कि हमें किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं हमें सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट अगर, अगर अवाम की रिलीफ देने के लिए इकदाम करे तो आपकी कर तारीफें अच्छा, आपने रिलीफ की बात की तो अब आवाम को रिलीफ देने के लिए ही सस्ते सहूलत बाजार लगाए जाते हैं मॉडल बाजार लगाए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब का ये एक विजन था मॉडल बाजार लगाए गए और वो वाकई मॉडल थे भी वहां पर अवाम को रिलीफ मिल भी रहा था इन मॉडल बाजारों में हर तरफ ही महंगाई है तो फिर ये मॉडल बाजार क्यों नाम रखा गया मुझे मुझे बता ऐसा क्या मुझे है इसमें? मुझे याद है याद कि शहबाज शरीफ का एक प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था और उसमें यह था कि जो लोग जो है वो यहाँ से अच्छी और बेहतरीन अशिया की क्वालिटी जो है वो खरीदें और लोगों लो को कुछ किसी हद तक रिलीफ मिले तो इसको और मॉडल कहा भी जाता था ना? भी जाता था उसको मेक श्योर करने के लिए ना है ना शहबाज शरीफ खुद दौरे करते थे अच्छा MNA, MPS, और जो बात यही आ जाती है वो शख्स जिसने ये सारा कुछ किया था वो अब जेल में है हाँ। इस वक्त जिसने ऑरेंज लाइन बनाई अवाम कोई को रिलीफ देने के लिए दो चार इकदाम किए वो इस वक्त हमें जेल में नजर आ रहा है लेकिन उसको चले जेल में डाल दिया अवाम को तो रिलीफ दे आप यहाँ पर आप यहां पर बता दें आप... मेरा सवाल यह है कि अवाम अपने नियरेस्ट बाजार छोड़कर मॉडल बाजार में क्या लेने आए जब मॉडल बाजार में भी आपको उसी रेट पे चीजें मिल रही मुझे तो मॉडल बाजार इस तरह पता है क्योंकि मैं यहां पे इनके साथ रिपोर्टिंग करता है तो मुझे याद है कि जो मुतलका होते थे वो वहां पर जाते थे विजिट करते थे अचानक करते थे छापे मारते थे रेड करते थे जो हमें पीटीआई टी आई के दौरे हुकूमत में नजर नहीं आया देखिए जब अचानक रेड होती है कुछ ना कुछ दुकानदारों को भी खौफ होता है कि हमने प्राइस लिस्ट अपनी दिखानी है हमने आवाम कोई धोखा को नहीं दे सकते यहाँ पर हमारा कोई पूछने वाला है जब पूछने वाले कुछ ना हो अब हाल ये है कि यहाँ पर मैंने नहीं नाम पढ़े कि कौन कौन सी चीजें आप किसी भी चीज का नाम ले लें नाजरीन के जहन में बल्कि कोई चीज भी आ रही हो उसका रेट दो ढाई साल पहले दो ढाई साल पहले छोड़े छह महीने पहले रेट देख लें और अब देख लें अब छह महीने भी छोड़े अब तो हालात ये हो चुके दिन पहले ये हालात है पहले दिन जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसका सब्जी का या फल का ये रेट है और उसके बाद अगले दिन जाते हैं तो एकदम बीस या पचास या दस पे पे ना तो फिर आप कंट्रोल करने की बात कर ही नहीं सकते हैं फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो मार्केट में नहीं ख्याल से वो अच्छा कर रहे हैं उनके कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाएंगी जब हर रोज की सोमरो साहब की खबर है अभी हम देख रहे हैं कि वो मजस्ट्रेट इतना ज्यादा जाते नहीं वो जाते जरूर है मैंने जैसा आपको बताया वो ऐसी भी बात नहीं लेकिन वो जाते कभी कभार है हुँ. ये बात अकमल की खबर बिल्कुल ठीक है कि वो काम ही निकलते हैं शहर में ज्यादा मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए लेकिन मजिस्ट्रेट्स तब

जी और अब प्रोग्राम के सिरसे में हम बात करने वाले हैं गुजशत रोज प्रेस क्लब के इंतबात हुए जिसमें सिटी 42 टू के सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी साहब ने माशाल्लाह से कामयाबी हासिल की है उमर बिला जाहिर चौधरी साहब की साथ जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता अब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फिर पूरी कम्यूनिटी जो है उसकी उमंगों की तर्जुमानी भी आपने करनी होती है जी,

वहां पर मौजूद रहे शाह साहब और इस तरीके से जो दीगर हमारे रिजवान नकवी साहब जिस तरीके से हमारे दीगर दोस्त हैं वो आ, कल सारा दिन सुबह से ही लेकर जो है आप और हम हम भी गए वोट कास्ट किया तो एक बड़ा एक फैमिली की तरह क्योंकि बात है फैमिली मेंबर और ये कल फेस्टिविटी का एक समा फेस्टिविटी, था हाँ पर बिल्कुल और फिर जाहिर चौहे साहब की अपनी जो अपनी खुद की भी जो पर्सनैलिटी अगर हम उस हवाले से भी बात करें तो हमेशा सीनियर जर्नलिस्ट होने के बावजूद बड़ी मोहब्बत के साथ के साथ खबरों में भी अगर मैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ होता था तो कहते थे क्योंकि असेंबली की हम कभी खबर करके या कवर करके आते हैं इनसे कोई गाइडेंस तो जितने मर्जी मसरूफ हो और फिर सबसे अहम बात जाहिर चौहे साहब की कि हमेशा कहते हैं अक्सर वो कहते हैं कि 10 बजे सुबह जो उठते हैं ना वो तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्तलिफ के, के, के हस्पतालों में फ्री काम करवा रहे रात को बारह बजे भी उनका नंबर बिजी होता था और वो किसी न किसी का हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करते उम्र वक्त कम है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया नाजीन हम ब्रेक की तरफ चलते हैं आप हेडलाइंस आने दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे नाजिन प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था किस तरह से कोविड के केसेस जो हैं शहरे लाहौर में खास तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं रोजाना के बुनियाद पर चीजें शेयर करने का मकसद कि इतने मरीजों की हालत तश्वीशनाक है इतने मरीज जिंदगी की बाजी हार गए इतने मरीज वेंटिलेटर पर हैं मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि घर बैठे आप तक मालूम पहुंचाई जा सके और आपको बताया जाए कि रियालिटी यह है आपने एहतियात इस तरह से करनी है निजाम जिंदगी बंद नहीं हो सकता सभी को अपने काम निपटाने के लिए अपने कारोबार करने के लिए बाजारों में भी जाना है अपने कारोबार पर भी जाना है क्योंकि ये जिंदगी का पहिया इसके बगैर मफलूज होकर रह जाएगा अब जरूरत इस अमर की है कि आपको लाइफ स्टाइल ही ऐसा बना लेना है इसके साथ जीना सीखना है जो एसओपीस है वो आप सभी को पता है पहले दिन से जिन एसओपीस की बात की जा रही थी अभी तक वही चीजें चल रही है अफसोस इस बात का है कि हम मानने को तैयार नहीं है हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं है अभी आ, मैं गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी लेकिन शोर चूंकि बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूंगी कि मेरी आई एफ भी प्लीज बंद कर दीजिए तो हम बात कर रहे थे केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं अब इन केसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये एक सवाल या निशान है अगर अपने एंड से मैं बात करूं आप लोगों के एंड से करूं तो एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है सेकेंडली अब ये जो नई चीजें इसमें ऐड होती चली जा रही हैं, मुझे नहीं पता आवाम को इससे खौफ है या नहीं है मैं बहुत डर चुकी हूँ इस चीज से कहीं ना कहीं से आपको ये खबरें मिलती चली जा रही हैं कि बच्चों के लिए भी अब ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है कहीं सुना जा रहा था कि बच्चों पे उस तरह से असरअंदाज नहीं होता स्पेसिफिक एज के जो लोग हैं उनको कोविड जो है ज्यादा मुतासर कर रहा है नौजवानों में ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है अभी कुछ दिन पहले हमने जो बीपर्स हर रोज की बुनियाद पर करते हैं अपडेट्स लेते हैं अस्पतालों में और उस उसपे हमारे रिपोर्टर्स मैंशन कर रहे हैं कि 21 से 35 साल के लोग जो हैं वो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं अस्पतालों में नौजवानों की तादाद भी ज्यादा देखी जा रही है अब हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो नई चीजें इसमें ऐड हो रही हैं उनका भी जिक्र करें आपको भी बताएं कि किस तरह से आपने अपनी एहतियात करनी है स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर जोनेद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में बताती चलू हेड ऑफ पेड्रियाटिक डिपार्टमेंट लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है असला सर वाल्मीला क्या हाल चल है अल्लाह का शुक्रिया आप कैसी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए सबसे पहले तो बताइएगा कोविड जिस तरह से फैल रहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है बच्चों में भी क्या केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जी अनाज सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का देखिए बच्चों में केसेस शुरू से ही हैं हमारे पास हमेशा से केसेस मौजूद रहे हैं उनकी तादाद में कमी बेशी रही है लेकिन किसी भी स्टेज पर ये जो ये इम्प्रेशन था कि कोविड ख़त्म हो गया है एक जरासीम है जरासीम सोसाइटी में आ गया उसके ख़त्म होने के इम्कान ऐसे नहीं इस पर भी हमारे पास केसेस मौजूद हैं और उसमें ऐसे केसेस भी हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं ऐसे केसेस भी हैं जो थोड़े स्टेबल हैं और खासकर वो बच्चे जिनमें पहले से कुछ बीमारियां मौजूद हों मसलन दिल की बीमारियां हों जिगर की बीमारियां हों दिमाग की बीमारियां हों उन बच्चों के या गुर्दे की बीमारियाँ डायलिसिस वाले बच्चे हमारे पास पॉजिटिव होकर आते रहे तो वो बच्चे हमारे पास अभी भी आ रहे हैं और ऐसे भी बच्चे हैं जो को इंसिडेंटली डायग्नोज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल आपने एक अपेंडेटमी करनी थी उससे पहले आपने कोविड टेस्ट करवाया या बाजू की सर्जरी थी या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी थी और पता चला कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है कार्डियक सर्जरी से पहले हमें पता चला बच्चा कोविड पॉजिटिव उसमें कोविड की अलामत आनी शुरू हो गई तो जाहिर है बच्चे कहीं से तो ये बीमारी ले गए हैं ना तो बड़ों को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए बच्चों को आपने घर में तो रख लिया लेकिन कोई तो बाहर से लेके आता है जो उनको लगाता है तो हम

अब बच्चों के लिए भी वो नुकसानदेह है और वो नमूनिया की सूरत ने बच्चों में तो महफूज रखना है दो हिस्से है पहला हिस्सा कि जो शुमाल मश्रकी इलाका यूके का वहां पे एक म्यूटेशन डिटेक्ट वो साउथ अफ्रीका वो करीबन आप समझिए काफी सारी म्यूटेशन और उनमें जो मेन होता है अब उसमें इससे ये उनका अंदाजा यह है कि इस म्यूटेशन की वजह से ये कोरोना वायरस जो नया डेवलप होगा ये को 50 से 70 फीसद ज्यादा आसानी से ट्रांसमिट होगा जब ये ज्यादा आसानी से ट्रांसमिट होगा तो जो कहा जा रहा था पहले कि बच्चे इसमें कम इफेक्ट हो रहे हैं तो बच्चों की तादाद में यकीनन इजाफा होने का अंदेशा है हुँ. एक बात दूसरी बात यह कि ऐसी अभी सी अभी फिलहाल बात डिटेक्ट नहीं हुई कि यह ट्रांसफर होगा तो क्या यह ज्यादा गहरी या शदीद बीमारी भी करेगा इसका भी कोई एविडेंस नहीं है मुख्तलिफ मुल्कों में उनके इंडिपेंडेंट केसेस लाइक कैनेडा में कल रिपोर्ट हो गया पहला केसेस जर्मनी में कुछ दिन पहले हुआ था इसी तरह जो यूरोपियन यूनियन के आपस में हो गई मूवमेंट्स लोगों ने यूके से अपनी फ्लाइटें बंद करा दी हैं फ्रांस वगैरह ने तो इसलिए करें कि ताकि ये वायरस वहां पर आए ना अब दूसरी बात यह है कि बच्चों में नमोनिया देखिए इस मौसम में बच्चों के नमोनिया के बहुत से जरासीम हैं इट्स नॉट ओनली कोविड नाइन्टीन इन्फ्लुएंजा नमोनिया करता है पैरा इंफ्लुएंजा करता है डीनो वायरस करता है ये वायरसेस हैं बैक्टीरिया में भी चाहूंगी बहुत सारे बच्चों को नजला जुकाम बुखार हो जाता है अब इसमें तो हम बहुत ज्यादा पेरेंट्स घबरा जाएंगे कि आया उनके बच्चों को कहीं कोविड तो नहीं हो गया तो कुछ इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स आप डिस्कस करना चाहेंगे जिस पर आपको पता चले कि कोविड हो सकता है और आपने अपने बच्चे का टेस्ट कराना देखिए दो बातें हैं ज्यादातर बच्चों को बड़ों से होता है फैमिली में कोई ना कोई केस आपको जंगली मिल जाता है आसपास एक बात बच्चों में तो सिंपल नजले सुकाम के साथ हमारे पास बच्चे आए हैं इसलिए किसी एक अलामत पे हाँ नई नई टेस्ट का खत्म होना यानी अच्छा। आपकी टेस्ट में कमी ताज़ा एक फ्रेश अलामत के तौर पर आए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बाकी लाइक ये है कि खांसी नजला सिंपल जुकाम गला खराब ये तमाम अलामतें हाँ एक और चीज है कोविड में ना एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सीरियल इंटरवल यानी एक से दूसरे बच्चे में या एक से दूसरे फैमिली मेंबर में तो जनरली सीरियल इंटरवल तीन से पांच दिन का होता है जो आम इन्फ्लुएंजा है वो सडन रैपिड फीवर जा जो है ये सबसे क्लोज है कोविड के इसकी अलामत जो है वो सडन हाई ग्रेड फीवर के साथ आती हैं और इसमें भी जिसम कापता है इसमें भी जिसम टूटता है इसमें भी सब कुछ वैसा ही होता है तो आप इसमें अलामत की बुनियाद पर शायद बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट ना कर सकें और घर में क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर लोग इंडोर रहते हैं दरवाजे बंद होते हैं तो जरासीम भी बहुत आसानी से फैमिली में लगता है तो लेके कोई ना कोई बड़ा ही आता है तो वी कि आप वो तमाम बुनियादी आपने जो एहतियात की बात की देखिये दो तीन बहुत बेसिक्स हैं हम दो साल से नीचे बच्चों पे चले जाते हैं माँ के दूध से बड़ी एहतियात कोई नहीं सही कुरान में कहा गया उसमें तमाम ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो माँ ने अपने बचपन जवानी में बहुत सी बीमारियाँ फेस की वो माँ के दूध के ज़रिए एंटीबॉडीज़ जाती हैं बच्चा उससे बचा रहता है और ऐसे बच्चे कम बीमार होते हैं छः माह की उम्र के बाद ख़ुराक देना ये दूसरा बुनियादी असूल है ख़ुराक में प्लीज़ आप जंक फूड को या प्रोसेस फूड को लेने की बजाय जो बुनियादी सब्जियां हैं फल हैं गोश्त हैं अंडा फ्रेश चीज़ें लीजिए ठीक है कोविड के हवाले से विटामिन ए की बात चल रही है गाजर में मौजूद है विटामिन डी की बात चल रही है सनलाइट में मौजूद है विटामिन सी जिंक इन सब चीज़ों की बात नट्स में है गोश्त में है कीनो माल आप वो तमाम फल जो जितना एक आप शादी जुबान में कह लीजिए जितना देसी आप रख लें बच्चे को उतना अच्छा है आप उससे बड़े बच्चों में आ जाए उनमें भी ज़्यादातर जो रूटीन की खुराक है फल है सब्जियां हैं यही दालें हैं फैट लेग्यूम्स हैं बीन्स हैं यही वो चीजें हैं जो आपने अल्लाह ताला माशाल्लाह तमाम चीजें स्प्रिंकल आउट की हुई हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो आपको फायदा देता है और इसमें कोई स्पेशल आप कह लीजिए अगर आप बेसिक्स पे रहें तो आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं और उसके बाद वही तीन चीजें बचती हैं कि मास्क पहनिए और आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और थोड़ा आप ये है कि आप हैंड वॉशिंग को ज्यादा प्रमोट कीजिए सही डॉक्टर साहब पहले दिन से एक ये भी हम चीज सुन रहे हैं कि बच्चों को कोरोना वायरस कोविड नाइनटीन उस तरह से मुतासर नहीं करता जिस तरह से बड़ों को करता है तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे क्या इसका मतलब यह है कि आप एहतियात छोड़ दें मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा अपने बच्चों को बाजारों में लेके घूम रहे हैं नहीं भी जरूरत आप सब्जी लेने गए आप ग्रोसरी करने गए आपके बच्चे साथ जा रहे हैं बड़ों ने मास्क पहना है बच्चों ने नहीं पहना क्योंकि बच्चों को कोविड उस तरह से असर नहीं करता कितनी केयर की जरूरत है देखिए इसमें मैं एक बात अर्ज करूंगा हम अल्लाह ताला का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाली कौम है हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें जो तालीमात दी गई हैं हम उसको फॉलो करें आप नमाज पढ़ें आप दुरूद शरीफ पढ़ें ये सब चीजें करें और आप अपनी जो एहतियात है उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्ल करें एहतियात छोड़ के तवक्ल करने को नहीं कहा गया आप अपनी एहतियात करें बाजारों में निकलना देखिए एक बड़ा कैच करेगा बच्चा कैच करेगा जो आपने बात की कि बच्चों में इसकी अलामतें ज्यादा नहीं है आप उनसे पूछिए जिनके बच्चों को हैं अगर मैं कहूं कि तेज गाड़ी चलाने से हादसा नहीं होता जिनका हुआ उनसे पूछिए तो हर कोई तो आप इस चीज को ऐसे फॉलो नहीं कर सकते ना एक बीमारी आई है एक एहतियात आपने करनी है तो आपने एहतियात करनी है बस तो इतनी सिंपल बेसिक्स है बाकी अल्लाह माफ करे किसी घर में अगर एक बच्चे को लेट से हल्का फुल्का भी हुआ माना उसको कुछ ना हुआ लेकिन उसने एक बुजुर्ग को लगा दिया और वो बुजुर्ग अपनी जान की बाजी में हारना शुरू हो गए या मुश्किल तकलीफ में आ गए तो क्या ये काफी नहीं है तो एक आप बीमारी का मतलब ये नहीं होता कि जब तक आप खुद खुदाना खाद का निशाने पर नहीं है तो आप बाकी सब को निशाने पर ले आए सब तो अपनी एहतियात पूरी कीजिए तो अल्लाह तला उसमें आपकी मदद करेंगे जो जैसे आपको कहा गया सही डॉक्टर साहब दूसरा ये भी मुझे बताएगा नज़ला जुकाम बुखार की सूरत में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर को दिखाए बगैर घरों में करना लोगों ने प्रैक्टिस बना लिया हुआ है तो अगर बच्चे को नजला जुकाम बुखार है तो अच्छी डाइट आप क्या रेफर करेंगे डॉक्टर के पास टाइमली जाना कितना जरूरी है और फिर ये मौजूदा सूरत हाल को लेकर देखिए जो एंटीबायोटिक का यूज है ये इस सदी का बहुत बड़ा डैलम है हमारे मुल्क में क्योंकि ओवर द काउंटर लोग यूज कर लेते हैं थोड़ी सी मालूम रखते हुए इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर हैं लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि हम इसको कितनी मुश्किल में फेस कर रहे हैं। टाइफाइड जैसी बीमारी जो सिम्पल सेप्ट्रॉन एम्पीलिन से ठीक हो जाती थी वो इस वक्त सिर्फ दो दवाइयों के काबिल रह गई है एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम और अभी भी हमारा ये हाल है कि एजिथ्रोमाइसिन को सिंपल नज़ले जुकाम गले खराब के लिए इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और लोगों को अंदाजा नहीं है कि आगे एंटीबायोटिक्स लिया ना आपने के लिए ये हेल्पफुल है तो बस आप वो मुख्तलिफ तहकीकों में उसका हेल्पफुल होना अभी भी पूरी तरह साबित नहीं है तो प्लीज आप उसको हर जगह इस्तेमाल मत कीजिए और रहा मसला कि आपने घर में क्या एहतियात करनी देखी खुराकों में वाइटामिन सी वाइटामिन ए वाइटामिन डी और जिंक ये खुराकों में मौजूद है इनकी कैल्शियम पे आप फोकस कीजिए और बाकी जो हल्की फुल्की वजिश करना एक्सरसाइज करना इनके लिए को बहुत बड़ी आपको जगह नहीं चाहिए घर के अंदर अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आप एक सबका बच्चों को सेडेंट्री हैबिट से निकालिए है प्लीज वो तो जो मोबाइल का मुस्तकिल इस्तेमाल है आपका बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल है इन चीजों से बहुत ग्रॉस चेंजेस बच्चों के और जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं वो जिसम पे इफेक्ट होते हैं तो इवन आप हम फिर दोबारा बेसिक्स पे आ जाते हैं कि आपकी पांच वक्त की नमाज से बड़ी एक्सरसाइज कोई नहीं है तो हैव टू बी ऑन बेसिक्स जितना भी आप खुराक में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है शहद का इस्तेमाल आप वार्म फ्लूड का इस्तेमाल कीजिए आप यखनी का इस्तेमाल कीजिए ये चीजें आपको बुनियाद पे रखेंगी और बुनियाद पे जो अल्लाह तरफ से शहद, जैतून, कलवंजी खजूर इन चीजों का जो तस्करा कलवंजी आप हर सालन में डाल सकते हैं फरमाया गया कि हर चीज से शिफा है तो है हमें जितनी समझ है उसको समझ लें जितनी नहीं है उस पर आप तोल कीजिए और उसको फॉलो कीजिए आपने क्या होगा आपका देखिए मैसेज सिंपल है एक बीमारी दुनिया में आ गई है लोग इसको फेस करें हम सब इसको फेस करें घर में हर फर्द कीमती है बच्चा हो बड़ा हो जवान हो

हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिन्होंने बताया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी भी तीन से चार केसेस ऐसे हैं जिनमें बच्चों में कोरोना पॉजिटिव है जिनका इलाज मोलजा भी चल रहा है अब आ, जो हमने आपके साथ खबर दो तीन दिन पहले शेयर की थी कि बच्चों में भी अब ये थ्रेट उतना ही जो है वो देखा जा रहा है और नमूनिया की सूरत में बच्चों में भी ये वायरस जो है वो नजर आ सकता है इसके पेशो नजर एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं केसेज रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शहर के अस्पतालों में कितने मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं कितने मरीज वेंटिलेटर पर हैं, महकमा सेहत की इस पर हिमत अमली क्या है स्कूल्स आगे खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए केसेस किस हद तक कंट्रोल हो सके हैं आगे की हमत महकमा सेहत की क्या है क्योंकि लाहौर में हमने पहले भी देखा पहली लहर में भी अब भी कंपेरेटिवली केसेस ज्यादा आते हैं और फिर इसमें हम रोजाना के बुनियाद पर जो आपके साथ डेटा शेयर करते हैं दूसरे अजला से दूसरे शहरों से केसेस लाहौर में ज्यादा देखे जाते हैं अब प्लानिंग महकमा सेहत की इस तमाम सूरत हाल को लेकर क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी यर कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं असलम सर क्या हाल चाल है आपके बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपका से जी अल्लाह का करम है सर सबसे पहले तो ये बताइएगा बहुत सारी नई चीजें सुन सुनकर वैसा ही खौफ में मुबतला हो रहे हैं जिस तरह से बरतानिया में हमने सुना कि एक नई किस्म आ गई है फिर ये बात सुनने को मिली कि बच्चों में भी नमूनिया की सूरत में कोविड का सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं खौफ में मुब्तला कर रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट इन तमाम चीजों को लेकर कितना एक्टिव है लोगों को इन्फॉर्म करना बर्वक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या किया जा रहा है इस पर देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त बात है कोविड नाइन्टीन ने ट्वेंटी ट्वेंटी हमारा जो है वो सारा का सारा अनसर्टेनिटी में और एक खौफ हरास की कैफियत में गुजारा है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है यह सूरत हाल हम देख रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही चलेगी लेकिन साथ साथ हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो लोगों की कंप्लेसेंसी का रहा है यानी कि जब किसी इवेंट को आप ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो लोग उस तरह से उसको सीरियस लेना बंद कर देते हैं इसी इसी यही सूरत हाल हुई है कोविड के साथ के लोगों का जो एहतियात का आंसर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हम करते हैं इसका इमीडिएटली फ़ायदा नहीं होता लेकिन ये बात भी बहरहाल तय है कि इनका फ़ायदा ज़रूर होता है और आपने देखा कि जब अचानक सेकेंड वेव में जब बहुत ज़्यादा तेज़ी आई इसकी लहर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो इमीडिएटली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया जो हमारे मास गैदरिंग वाले इवेंट्स हैं जिसमें ख़ास तौर पर शादियाँ हैं उनको काइंड ऑफ कंट्रोल किया गया आपने देखा कि वह सिर्फ वेंटिलेटेड इन्वामेंट के अंदर उनको अलाउ किया गया अब हम पिछले पंद्रह दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो पंजाब की पॉजिटिविटी है उसके अंदर कमी आई है लाहौर अलबत्त पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन आप आ, समझ लें कि जो टॉप पे हमारी जो पॉजिटिविटी रिपोर्ट हो रही है वो लाहौर में हो रही है उसके बाद रावलपिंडी और तीसरे नंबर पे फैसलाबाद है ओवरऑल जो हमारी पॉजिटिविटी है जिसको हम तीन दिन की एवरेज की बुनियाद पे कैलकुलेट करते हैं उसमें कमी आई है पिछले पंद्रह दिन के हिसाब से अगर हम देखें लेकिन ये कबल अस वक्त होगा कहना क्योंकि इन दिनों में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन डाउन हुआ उसकी वजह से लोगों की मूवमेंट में भी कमी आती है सो ये जो अगला महीना है इसको हम बहुत ज़्यादा सख्ती से ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं इस दरमियान जितनी भी हमारी रोजा रोज़मर की एक्टिविटीज़ हैं मार्केट्स के अंदर जो एस ओ पीज़ हैं टाइमिंग्स की रेस्टोरेंट्स में जो आउटडोर डाइनिंग की एस ओ पी है और जो शादी हॉल्स की एस ओ पी है इनके ऊपर हमें सख्ती से अमल दरामद करना होगा और तभी मुमकिन होगा कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे ये बात भी दुरुस्त है कि जो इस कोविड को लेके नए वसवसे सामने आते रहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट इस हवाले से हफ़्ते में एक दफ़ा एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो हमारी एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडी है उसको लेके और इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे अलर्ट्स और मुख्तफ जो कैम्पेंस हैं वो चलती रहती हैं हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैलाने का जिसको कि हम गाहे इस्तेमाल करते रहे अच्छा कैप्टन उस्मान साहब लोगों का रवैया जब कभी भी हमने बाजारों का विजिट किया ऑफिस आना जाना होता है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का देखने में आता है बहुत ही रेयर आपको कहीं कोई मास्क पहना हुआ हजूम में नजर आता है अब ये चीजें बर वक्त लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसो पीस कोई नए नहीं है वही चीजें हैं जिसपे आपने अमल करना है अब ये जो नई चीजें ऐड होती जा रही है इसकी घर बैठे इंफॉर्मेशन लोगों को हम चाहते हैं कि पहुंचा सके ताकि जो थ्रेट हो सकता है जो इससे परेशानी हो सकती है उससे लोगों को पहले पता हो और एहतियात भी कर सके अब जो ये वायरस की नई किस्म कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है पचास से सत्तर फीसद तेजी से फैलता है क्या समझते हैं आप इसके लिए क्या डबल एहतियात करनी होगी हमेंटीन uh, uh, एक ड्रॉपलेट uh, इंफेक्शन है इसके ऊपर जितनी ज्यादा कोविड नाइन्टीन को लेके पूरी की पूरी दुनिया में जनरली लोगों में आई बच्चों में आई स्कूल्स के थ्रू आई मीडिया के थ्रू आई शायद किसी और वायरस के बारे में नहीं आई और अब सब लोगों को पता है कि इसने कैसे फैलना है ये एक दूसरे के मेल मिलाप से फैलता है और इसको रोकने के तरीके भी सबको पता है बस बात यह है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें आपने देखा होगा अक्सर लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं जब वहाँ पर वो देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ तो अगर किसी ने पहना होता है वो उसको उतार देता है बजाय इसके कि हम इस बात को इनकेज करें कि जिसने पहना हुआ है उसको इनकरेज करें और बाकी लोगों को भी कहें कि वो पहने हम शायद इस बात का प्रेशर लेते हैं कि जी बाकी ने नहीं पहना हुआ तो हमें भी शायद नहीं पहनना चाहिए ये एक गलत ट्रेंड है जिसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है और जो नई स्ट्रेन के बारे में आपने कहा बिल्कुल ये बात दुरुस्त है अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और असल बात फैलने का जरिया वही है तो अगर हम इम्फेसाइज नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं अपनाएंगे इन प्रिंसिपल्स को अपने साथ बांध के नहीं रखेंगे तो हमारा नुकसान होगा और तभी मुमकिन है जब सब लोग कॉपरेट करें सब लोगों ने इस बात को पर्सनली रियलाइज करना है कि जब घर से निकलना है तो मास्क उनके पास होना चाहिए दरवाजे से वापस आना पड़ता है तो जरूर आ जाएं ये बात जहन में रखें कि मुझे जहां जा रहा हूं वहां पर मास्क नहीं मिलेगा रास्ते में हो सकता है किसी से इन्फेक्शन मिल जाए आप खुद किसी को इन्फेक्शन दे सकते हैं प्लीज़ अपनी जिंदगी का ये अपने ड्रेस का अपने अटायर का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का इसको हिस्सा बना लिए लोगों से हाथ ना मिलाएं हम समझ रहे हैं कि शायद हाथ ना मिलाना बदतमीजी में शुमार हो रहा है या शायद हमारी सोशल नॉर्म्स खराब हो रही हैं वी मस्ट रियलाइज कि ये एक मेजर सोर्स है एक इन्फेक्शन दूसरे शख्स शक, को देने का या उससे लेने का और फिर हम बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं आंखों को मलते हैं आ, नाक को हाथ लगाते हैं तो उससे ये इन्फेक्शन अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है इन ये बेसिक ये बेसिक बातें हैं ये बार बार बताई गई हैं बच्चों के स्कूल्स की बुक्स में डाली हैं हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ टी वी सीज चलाई हैं मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स हुई आप हर दफ्तर में जाए हर मार्केट में जाए मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें वहां लिखा हुआ है लेकिन हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं और कितना एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं इस पर अमल करने के लिए या एजुकेट कर रहे हैं या हमने इसको ठान लिया है कि हमें करते रहना है अपने आप को इससे बचा के रखने के लिए ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब हम सबको तलाश करना है और बार बार लोगों को इनक्रेज करना है इसको टैबू नहीं बनाना बल्कि इसको अपनी काइंड uh, ऑफ kind of इसको अपना प्राइड बनाना है कि ये हम काम कर रहे हैं तो हम फेवर कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ अपने उन लोगों के साथ जिनको हम प्यार करते हैं बिल्कुल आपने सही कहा और ये चीजें हमें समझनी है और यही वक्त है इन चीजों को समझने का कैप्टन उस्मान साहब ये बताएगा आज हम फोकस भी इसी चीज पे कर रहे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ थे बच्चों का बार बार अब जिक्र किया जा रहा है कि बच्चों के लिए भी कोविड उतना ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि पहली लहर जब ये स्टार्ट हुआ हम बार बार ये चीज सुन रहे थे कि बच्चों पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होता अब बच्चों में नमोनिया की सूरत में कहा जा रहा है कि कोविड असरअंदाज हो सकता है इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या एहतियात जारी

ट्रांसपोर्ट जरूर करते हैं यानी कि वो जब वो जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो वहां से वो वायरस लेके अपने घरों में लाते हैं और बच्चों का सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन घरों में बुजुर्गों के साथ होता है तो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो इस बीमारी को ट्रांसमिट करने का और जस्ट बिकॉज बच्चे ज्यादातर सिम्टोमेटिक भी नहीं होते बच्चे आपने देखा होगा मेजोरिटी जो कम उम्र के बच्चे हैं वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं जो कि ज्यादा नुकसानदेह है जब आप सिम्टोमेटिक होते हैं तो आप कहीं बीमार होने के बाद कहीं किसी बेड पे लेट जाते हैं कहीं कोई एहतियात शुरू कर देते हैं जब आप एसिम्टोमेटिक होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर वायरस मौजूद है और आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं so, बच्चों को लेके बच्चों को लेके जितनी ज्यादा एहतियात की जाए उतनी कम है और वो तभी मुमकिन है कि हम उनकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कंट्रोल करें एंड बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि इंफ्लुंजा के सीजन के अंदर क्योंकि ये बीमारी मोस्टली जो है वो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है सो so, uh, 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 बिल्कुल आप कन्फ्यूज बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि ये कोविड है या नहीं है लेकिन अगर इस हवाले से किसी किस्म का भी कोई शुबा हो

देखिए अब अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि ये बीमारी एक शख्स से किसी दूसरे शख्स को किसी भी हालत में मुंतकिल ना हो हम तो प्योरली हेल्थ परस्पेक्टिव से बात करेंगे लेकिन जब आप सोसाइटी में आ, जिंदगी गुजारने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे और मामला भी देखने होते हैं आपने इकॉनमी को भी देखना है आपने बहुत सारे अपने एजुकेशन सेक्टर्स की तरक्की को भी देखना है आपने ये भी देखना है कि कब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा लेकिन एट द सेम टाइम Uh, इस वक्त चूंकि अभी तकरीबन बारह तेरह दिन रहते हैं जो uh, स्कूल के खुलने के हवाले से जो डेडलाइन बनी हुई है इट प्री मेर टू से इस पे इस वक्त हमारी क्या टेक है हमारा ये ख्याल है कि स्कूल्स खुलने से तीन चार दिन पहले तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बैठेंगे अपनी हतमी राय कायम करेंगे पॉजिटिविटी पे क्या फर्क पड़ा स्कूल्स के बंद होने से और उसके बाद किस तरह से दोबारा अगर लेट से खोलने हैं तो क्या प्रॉबिबिलिटीज हैं किस तरह से खोला जा सकता है सो इट्स काइंड ऑफ प्री टू से ऑन दैट अकाउंट लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंट द अकाउंटरेशन के सारी जिंदगी जो है वो स्कूल्स बंद करके सारा साल नहीं काम चलाया जा सकता uh, हमने उस वक्त अपनी पॉजिटिविटी को भी देखना है किस तरह से कितनी क्लासेस ऑनलाइन की जा सकती हैं कितनी क्लासेस जो है वो ऑफ uh, uh, की जा सकती है, so, है सो ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए किया जाएगा कैप्टन उस्मान साहब मैसेज क्या होगा आपका लाहौरियों हो के लिए जी देखिए वंस अगेन लाहौर फिर जो फर्स्ट वेव की तरह इस दफा सेकंड वेव में भी इट इज एट द फोर। और... पॉजिटिविटी यहाँ पर है सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर है सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंस uh, है वो हमारे पास लाहौर में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑफ द नेचर दिस सिटी कि ये बहुत ज्यादा मोबाइल है बहुत ज्यादा चलता है बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है लोगों की तो मेरी गुजारिश तमाम लोगों से यह है कि प्लीज इस बात को अपने पल्ले से बांधें कि ये बीमारी अभी मौजूद है अगर आपके घर में किसी एक शख्स को भी अगर नहीं हुई मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के जहन में यह है कि अगर हम एक दफा पॉजिटिव हो गए तो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अभी हतमी राय मौजूद नहीं है कि ये कम्युनिटी कितने अरसे तक है हमारे पास कुछ केसेस री इन्फेक्शन के भी आ चुके हुए हैं गो के वो नंबर में बहुत थोड़े हैं बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी केयरफुल फॉर एवरी वन कोई एक शख्स भी अगर आपके घर में ऐसा है जो अभी रह गया है उसको बचाना उसको इस बीमारी से दूर रखना आपका फ़र्ज है प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप बाहर निकलते हैं तो एहतियात के साथ निकलें जब आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले एहतियात हाथ धोइए अपने अपने आप को अगर आप इन्फेक्शन लेकर हैं या आपके साथ कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट कीजिए किसी किस्म के भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ देर ना करें फौरन आप वन जीरो डबल थ्री पे कॉल करें या किसी ट्रायाज पे रिपोर्ट करें और वहां से अपना टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट करें और अगर आप पॉजिटिव 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 हैं हैं कोविड हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग की है, किसी जो और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनता है थैंक यू सो मच कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने बताया डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है क्या क्या प्लानिंग की जा रही है साथ ही साथ बहुत जबरदस्त मैसेज भी उनकी जानब से दिया गया और मैसेज कुछ नया नहीं है एहतियात एहतियात और एहतियाती इसका वाहिद हल है क्योंकि एहतियात करके ही आप खुद भी महफूज रह सकते हैं अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं ब्रेक लेंगे ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और नाजन कोविड 19 की वजह से जहां बहुत सारी चीजें मुतासर हुई हैं वहां पर स्कूल्स बच्चों की तालीम जिस कदर मुतासर हुई है शायद इसका खमियाजा जो है वो कभी भी नहीं जो है पुर किया जा सकता लेकिन अब जब कहा यह जा रहा है कि कोविड बच्चों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है बच्चों के लिए भी यह नुकसानदेह अगर हो सकता है तो फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मुझे बार बार वो बयान याद आ रहा है कि उन्होंने कहा जी जो ग्यारह जनवरी स्कूल्स खोलने की तारीख थी उस पर अब गवर्नमेंट जो मर्जी ऐलान करे वो स्कूल खोल देंगे अब हालात आप लोगों के सामने हैं केसेस कहीं ना कहीं आपको कम भी होते नजर आते हैं ज्यादा भी होते हैं लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं मरीज रिपोर्ट भी हो रहे हैं एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है हुकूमत ये कह रही है जी कुछ दिन पहले हालात को देखते हुए बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा लेकिन इस पर अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानव से वाजह तौर पर कह दिया गया है कि हुकूमत की जानब से जो मर्जी ऐलान किया जाए वो स्कूल्स खोल देंगे क्या बच्चों की तालीम का सोचा जा रहा है बच्चों की सेहत का सोचा जा रहा है किस पर यह ऐलान किया जा रहा है जरूरी इस वक्त किस चीज को रखा गया है इस पर हम बात कर लेते हैं हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है मियाँ शब्बीर अहमद हाशमी साहब उन्हें खुश आमदी कहेंगे सलाम क्या हाल चले आपके अल्लाह का शुक्र सब ठीक है अच्छा मुझे बताएगा आपकी तरफ से वाज ऐलान ये किया गया है कि आप स्कूल खोलने जा रहे हैं ग्यारह जनवरी से हुकूमत ऐलान करे ना करे क्या वजह इसकी है ये गवर्नमेंट ने खुद ही जो डेड लाइन दी थी जनवरी की अब देखिए मार्च से अब तक जो 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 है 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 एक साल जो हुआ है, जहां तलीमी इदारे जो है, वो डिस्टर्ब हुए हैं तमाम कारोबार खुले हैं यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों की हेल्थ हमने जितना हमने कॉपरेट किया है जो भी एसओपी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थी जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट ने हमें कहा हमने पूरी की सबसे ज्यादा एसओपी का ख्याल तलीमी इदारों में रखा गया इसका वाशगाफ जो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें भी इन्होंने खुद ऐलान किया कि सबसे ज्यादा जो एस ओ है वो फॉलो कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल अब देखें कि हम बसीत कौम बसीत पाकिस्तानी

तो बच्चे को तो नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचेगा घर वालों में भी ट्रांसमिशन इसकी होगी यहाँ से तो नुकसान फिर है ना बस ये जो बात है कि तलीमी जो हमारा निज़ाम था इसमें चंद ऐसी शख्सियात आ गई हैं जिन्होंने इसको अपना जिद बना दिया है हालांकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि जब हम कॉपरेट कर रहे हैं पूरा एस ओ पी को फॉलो कर रहे हैं और इसके बावजूद चाहिए था कि स्टेक होल्डर स्कूल को बिठाया जाता बिठा के अतमाना में लिया जाता ना तो हमारे असास्त जो बेरोजगार हुए हैं बिलियन के हिसाब से जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन का मसला है वो भी असासा का जो रोजगार का मसला है वो हमें सिर्फ वादों तक तक जो कहा कि हम स्कूलों को रिलीफ देंगे हमने कहा जी प्राइवेट स्कूल्स को लीव दें सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है कि 90 परसेंट स्कूल वो हैं जो लो फीस प्राइवेट स्कूल हैं और आप तो कोरोना की बात करते हैं स्कूल बंद होंगे तो वाले पेरेंट्स हमें कहां से फीसें देंगे ये तो पेरेंट्स वो हमारे पास उस कम्युनिटी के बच्चे जो पढ़ते हैं जो आम हालात में जब फीस देनी होती है तो वालदेन को प्रॉब्लम होती है अब स्कूल बंद है आप जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो पांच पर छह परसेंट जो अलीड क्लास के स्कूल हैं जिनकी फीसिस बैंकों में आती हैं, उनको मदद रख के बनाया जाता है हमारे मसाइल के लिए मिनिस्टर साहब के पास टाइम ही नहीं था कि आए बैठे हमारे साथ बात करें हमारे मसाइल हल करें हमें रिलीफ दें हमने हमें यह कहा गया कि आसान शराइत पर बिलासूद कर्जों की फरहमी को यकीनी बनाए ताकि तलीमी इदारे जो है ये इनकी बकाबी मुमकिन हो सके सबसे ज्यादा जो स्कूल मुतासर हुए हैं वो किराए की बिल्डिंग में जो स्कूल थे वो तबाही के दाने पर खड़े हैं अभी पहला जो मार्च से लेकर लॉकडाउन था उसमें भी सर्वाइव नहीं किया बहुत से स्कूल जो है हाँ बंद हुए हैं अब दोबारा फिर स्कूल बंद कर दिए गए हमने कहा हम हर तरह का तावन गवर्नमेंट के साथ कर, हमेशा किया अब भी करेंगे अच्छा आप ताउन तो करेंगे लेकिन अभी ये सारी जो डिटेल्स आप बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आप जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग्स की आपने बात की किराए निकालना मुश्किल है टीचर्स को तनख्वाहें देना मुश्किल है इसमें आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि हालात ऐसे हैं बच्चों की सेहत फोकस होनी चाहिए यह चीज देखनी चाहिए कि अगर हालात ऐसे हैं कि कोविड बढ़ रहा है तो स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए यह ऑप्शन भी तो जेरे गौर होनी चाहिए लेकिन आपने तो ऐलान कर दिया कि स्कूल खोलेंगे मगर गवर्नमेंट जो तो है हमारे जो जुम्मेदार हैं अपनी जिद अनाव और हट धर्मी छोड़कर स्टेक होल्डर के साथ बैठे हमारे को जो रोजगार का मसला है जो हमारे प्रॉब्लम है। से बात नहीं की जा रही बातचीत नहीं सुनी जा रही आपसे मुजाक नहीं किए जा रहे आपके मुतालबात नहीं सुने जा रहे इसकी वजह आप क्या समझ अब सबसे बड़ा जो इशू है कि हमें रिलीफ देना था कि हम जो एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा हमारा जो लो फीस प्राइवेट स्कूल है बोर्ड में पोजिशन उठा के देख लें और ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन हमारा है लिटरेसी रेट में वो उठा के देख लें और सबसे सब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो देख लें हमारा जो मुल्क कौम के लिए बेहतरीन जो कंट्रीब्यूशन है हमारी खदमात है उसको यकसर करके जो है अपने फैसले थोपे जा रहे हैं हमने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा ग्यारह अलेवंथ जनवरी को स्कूल खोलें हम इन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं खुलेगी हम तमाम पंजाब के जो स्कूल हैं उनको लॉक लगाएंगे ताले लगाएंगे तालाबंदी करेंगे और स्कूल्स के बच्चों को हम बाहर स्कूलों के बाहर जो है क्लासेस लगाने के ये भी ऑप्शन है उसके बाद जो तमाम एसोसिएशन अच्छा, आप दो तो ऑप्शन long... बता रहे हैं डू यू थिंक इसमें पेरेंट्स राजी होंगे स्कूल के बाहर बच्चे इसको पेरेंट्स को भी साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे अब देखें एक तबाह पूरा सिस्टम इत करके रख दिया है हमारी बात सुनने का सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है रिलीफ देने के लिए टाइम नहीं है अच्छा तो मुझे बता हम, मेरे पास वक्त कम है अगर एक्सटेंड कर दिया जाता है मौजूदा सूरत हाल देखकर तो फिर आपका आगे की क्या होगी आपने क्या वाजे ऐलान ये कर दिया है कि ग्यारह जनवरी से आप स्कूल खोल रहे हम मुश्तर तमाम जो स्टेक होल्डर तमाम एसोसिएशन है हमने अब ये कोई इख्तराफ नहीं है इसमें कोई दो आ रहा नहीं है कोई भी एसोसिएशन है चाहे कोई वो लेकिन यह कि ग्यारह जनवरी का जो है हम जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन मौजूद है उसके बाद स्कूल्स के बाहर क्लासेस लगाने का भी ऑप्शन मौजूद है हम हर सिता पे हर लेवल पे जो एहत करेंगे अब एक जो इशू है कि हमें रिलीफ देना था प्राइवेट स्कूल को अब पिछले साल उन्होंने बिलियन रुपए जो है वो दाखला फीसों की मद में इकट्ठे किए हैं और इम्तिहान नहीं लिया इस साल प्रैक्टिकल खत्म कर दिए गए हैं और टेंथ क्लास के और एफएससी के क्लासेस के लेकिन फीसें वही इकट्ठी कर रहे हैं अब कोई शेड्यूल नहीं है पेरेंट्स के लिए दोनों तरफ से मुश्किल हैं पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि ये मामला है बच्चों की सेहत का मियाँ शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए नाजिन लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात ऐसे हैं तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं मुतालबात इनके अपनी जगह पर हुकूमती फैसले अपनी जगह पर इसमें सिर्फ जरूरी है तो बच्चों की सेहत आप भी इस पर जरूर सोचिएगा और एहतियात कीजिएगा अपना ख्याल रखेगा इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि